साबित हुआ है। 1700 करोड़ टन का कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को, जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है, इतना बड़ा भंडार मुफ्त में दिया, बिजली सस्ते करने की भी कंडीशन उसमें नहीं थी, और ऐसे घोटाले में हमारे शिकायत पर, मेरे और हंसराज आहिर के शिकायत पर सीवीसी ने सीबीआई को जांच करने को कहा। अब सीबीआई ने जांच एक मुकाम तक पहुंचाई, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन जांच रिपोर्ट के समय उच्चतम न्यायालय को अंदेशा था कि कांग्रेस सरकार कैसा काम करती है, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी मंत्री संतरी को मत दिखाइए, लेकिन फिर भी मंत्रियों ने और पीएम ने दबाव बनाया और सीबीआई के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की। तो इसलिए ये बहुत ही बेहद गंभीर मामला है, उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना है और साथ ही साथ देश के साथ धोखा है, देश को लूटा और अब उसको पर्दा डालने की ये सारी कोशिश है, और इसके लिए हमने विरोध की भूमिका ली है। हमने कहा है कि इस पर प्रधानमंत्री को अब कोई, क्योंकि ये सारा कोयले का आवंटन जो हुआ वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे, और इसलिए इनका इस्तीफा होना चाहिए, और वो इस्तीफा जब तक होता है तो वो मांगा है और बर्खास्ती मांगी है मंत्री है। तो इसलिए ये मांग हमारी वाजिब है, क्योंकि देश को लूटोगे भी, फिर पर्दा भी डालोगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करोगे, तो ये तो सत्ता के रहे हैं, और इसलिए इसके खिलाफत हमने की है। नहीं नहीं, ये बाधित का बात नहीं है, देश को बाधित कर रहे ये लोग, आप सदन की बात कर रहे हैं, ये तो देश को बाधित कर रहे लोग। प्रकाश जी, राजा जेपीसी के सामने आना चाहते हैं, जेपीसी अध्यक्ष उन्हें बुलाते नहीं है, पेश होने का मौका नहीं देते हैं, कानून मंत्री सीबीआई डायरेक्टर को बुला के देखो, 2G के मामले में जी जो तथ्य आज तक सामने आए हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि उसमें भी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री दोनों की भूमिका है, क्योंकि उनके सहमति के बिना, उनके संज्ञान के बिना कोई भी काम नहीं हुआ है, और इसलिए वो बराबरी के जिम्मेवार है। अगर राजा जिम्मेवार है तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी जिम्मेवार है, और इसलिए ये घोटालों की सरकार है और ये जानी चाहिए, और इसलिए इस पर वो पर्दा डाल रहे हैं, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देश को बाधित कर रहे हैं, प्रधान कांग्रेस पार्टी देश को बाधित कर रही है, और इसलिए हम मुखालफत कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सदन में।